अच्छा माय डियर, तो एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी ये जो आपने लेक्चर प्रीवियस, अगर प्रीवियस लेक्चर किसी ने नहीं देखा तो वो पहले देख लो भाई, तभी आपको यहाँ से समझ आएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ाते हो तो आपके पास एरर कम हो जाता है। और वैसे भी सुने ज़रा, अगर आप ऑब्जर्वेशंस कम करते हो तो आपका एक्सपीरियंस भी कम होगा। अगर आप एक ही एक्सपेरिमेंट बार 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 कर रहे हो तो आपका उस एक्सपेरिमेंट में एक्सपीरियंस हो जाएगा, और जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आपसे गलती कम होगी। तो इसीलिए जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाते हैं तो हमारे पास एरर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये सारा मैं मिटाता हूँ और फिर ये फर्दर इसको समझते हैं और इस पर एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है। तो अच्छा अब देखे जरा, उधर मैं एमसीक्यूज लिखता हूँ और इस पर पॉइंट्स लिखता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ कि इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंक्रीजेस देन एरर डिक्रीजेस, एरर हमारे पास कम हो जाएगा। मतलब ये है कि एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसके साथ इनवर्सली है। ओके माई डियर, अब इधर देखो जरा, मैं एक एमसीक्यू लिखता हूँ। ये अगर मैं लिखूँ के टू पेंडुलम्स ए एंड बी आर टेकन, टू पेंडुलम्स ए एंड बी आर टेकन, वी वांट अच्छा to calculate the time periods we take 30 vibrations for pendulum A and 60 vibrations फॉर पेंडुलम बी। अब यहाँ पे दो सवाल करता हूँ, ठीक है। नंबर ए, विच पेंडुलम विल हैव ग्रेटर एरर या अनसर्टेनिटी, ग्रेटर एरर। और दूसरा सवाल ये पूछता हूँ कि पेंडुलम द एरर ऑफ पेंडुलम बी इज हाउ मेनी टाइम्स, या हाउ मच टाइम्स, आप पता नहीं क्या यहां पे आता है, हाउ मेनी टाइम्स लेस और ग्रेटर। आप मेरी बात को समझ रहे हो बस। अच्छा, तो ये दो एमसीक्यूज हो गए, मतलब इस तरह भी आ सकता है, उस तरह भी आ सकता है। तो इधर देखे जरा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑब्जर्वेशंस या वाइब्रेशंस जब बढ़ेंगे तो एरर कम हो जाएगा। तो ए का आंसर हुआ, ए का आंसर यू हुआ कि पेंडुलम बी हैज लेस अनसर्टिनिटी या एरर, एरर या अनसर्टेनिटी एज कंपेयर टू पेंडुलम ए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अच्छा अब आपने ये मालूम करना है कि पेंडुलम बी का एरर तो पेंडुलम ए से कम है, क्योंकि पेंडुलम ए के लिए आपने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस लिए थे 30, और पेंडुलम बी के लिए आपने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस लिए थे 60। तो अब आप ये देखें कि ये वाइब्रेशंस उन वाइब्रेशंस से कितने गुना ज्यादा है,
हाउ मच टाइम्स ग्रेटर. ओके, तो आप टाइम्स ग्रेटर मालूम करते हो, तो आप 60 को 30 पे डिवाइड करो तो आपके पास 2 आता है. इसका मतलब है कि 60 30 से 2 गुना ज्यादा है. 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा. अच्छा, तो आपको ये क्लियर है कि एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. तो आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इस पेंडुलम बी के 2 गुना बढ़ गए, तो जब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 2 गुना बढ़ेंगे तो एरर 2 गुना कम हो जाएगा. तो बी में मैं लिखूंगा द एरर या अनसर्टेनिटी ऑफ पेंडुलम, द एरर या अनसर्टेनिटी ऑफ पेंडुलम बी इज टू टाइम्स लेस देन पेंडुलम ए. पेंडुलम ए से पेंडुलम बी का जो एरर होगा वो 2 गुना कम हो जाएगा, ठीक है ना. तो अच्छा, या मैं ये एमसीक्यू लिखता हूँ कि द सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म बाई टू, द सेम मेजरमेंट इज टेकन बाई टू स्टूडेंट्स. सेम मेजरमेंट है, 2 स्टूडेंट्स ने उसको किया. 1 स्टूडेंट टेक 100 ऑब्जर्वेशंस. इधर देखे जरा, 2 स्टूडेंट्स हो, वो स्टूडेंट ए, स्टूडेंट स्टूडेंट ए स्टूडेंट ए टेक 100 ऑब्जर्वेशंस. स्टूडेंट ए ने 100 ऑब्जर्वेशंस किए. एंड स्टूडेंट बी, 2 स्टूडेंट्स थे, एंड स्टूडेंट बी टेक्स 500 ऑब्जर्वेशंस. विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द एरर इन द मेजरमेंट. इस मेजरमेंट में एरर के हवाले से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन ए, बोथ हैव सेम एरर, नहीं. बोथ हैव सेम एरर, नहीं. ऑप्शन बी, स्टूडेंट बी हैज लेस एरर देन स्टूडेंट ए. तो ये बात तो ठीक है, लेकिन सब्र करो. आप लोग डायरेक्ट इसको क्लिक कर देते हो कि नहीं, ये बी का एरर उससे कम है. ठीक है, ये एक आंसर है, लेकिन इससे अच्छा आंसर भी हो सकता है, ठीक है ना. इससे बेहतर आंसर भी हो सकता है. सी में ये लिखा है कि स्टूडेंट बी एरर इज फाइव टाइम्स लेस देन स्टूडेंट ए. तो ये बात मोर अप्रोप्रिएट है, वो भी ठीक है, बट दिस इज द प्रिसाइज एंड एक्यूरेट आंसर. डी में मैं लिखूं कि स्टूडेंट ए हैज लेस एरर देन स्टूडेंट बी. ये बात भी गलत है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी आता है, क्योंकि आपने देखा कि स्टूडेंट ए के ऑब्जर्वेशंस हमारे पास थे 100, और स्टूडेंट बी के ऑब्जर्वेशंस हमारे पास थे 500. तो 100 से 500 कितने गुना ज़्यादा है, कितने टाइम्स? तो आप 500 को 100 पे डिवाइड करो तो आपके पास 5 आता है. तो आपने पढ़ा है कि एरर या अनसर्टिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ इन्वर्सली है. तो स्टूडेंट बी के ऑब्जर्वेशन 5 गुना ज्यादा है तो एरर 5 गुना कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये भी ठीक था, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर ये है, आप इसको करोगे, ठीक है. तो ये हमारे पास जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ते हैं तो हमारे पास उसमें एरर या अनसर्टिनिटी मेजरमेंट में वो हमारे पास कम हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ तक आप लोग इसको देख लो, यहाँ तक आप इसको पढ़ लो, ठीक है.
तो यहाँ तक आपका ये जो इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी वाला टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा वेक्टर। इधर जाहिर बात है यहाँ पे ज़रा मैं ये कैमरे के सामने क्लासेस में उतना डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो बस ये आप लोगों को फ़ायदा होगा इससे, आप इसको भी देखोगे तो आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर होगा, आप फिर आगे जाके ख़ुद भी MCQs करो। और ये चैप्टर वन पे मैं और भी एक लेक्चर लूँगा MCQs के हवाले से, 2-3 लेक्चर, लेकिन अभी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अपलोड करूँगा तो वो सेकंड चैप्टर वेक्टर्स का स्टार्ट लूँगा और आप लोगों को वेक्टर समझाऊँगा, ठीक है। आप इसको यहाँ तक कर लो। तो ये था अनसर्टिनिटी इन अ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। ये वाला लेक्चर तब समझ आएगा जब इससे प्रीवियस वाला आप लोग देखो, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का पार्ट 1 और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का ये पार्ट 2 हो जाएगा। ओके, थैंक यू।